बार से मेरा मैं कहना बंद सुन लो चाची और मम्मी दोनों। बोर्मा होना ये हर हर उम्र है ऐसे कौन कौन से मिल जाए बुरा सब बुरे खाने रह भी जाए जितना पैसे लगेगा बोलिए मैं उतना भरने आ गया आप पर्सन क्या है खेत में तो कुछ है ही नहीं अब हैं गोली खोल दो इसको मारो बफर खा रहा दोस्तों मैं घायल हो चुकी हूँ और मेरी बैंड बच चुकी है मेरा पाँव भी टूट गया है। दोस्तों फूल ढूंढने गए थे लेकिन इतने ही मिले हमें तो इतने काफी हैं। अब देखते हैं कितना निकलता है ये ठीक है इसके अंदर का ही निकालते हैं जो तिल्लियां हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और बढ़िया सी धूप आ गई है। व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ एक नए दिन के साथ एक नई सुबह के साथ अपने प्यारे से मायके से। तो यार जाना है कल को बड़ा बुरा लग रहा है जाना है करके होता ही है ना थोड़े दिन अगर मायके में रहो तो लगाव सा हो जाता है फिर जाने का मन नहीं करता है। फिर यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उनके साथ मज़ा भी आता है तो बहुत प्यारे हैं वो उनकी याद भी आएगी मुझे जब जाऊँगी। तो मायके में चाहे एक साल रहो चाहे एक महीना रहो चाहे एक हफ्ता रहो कितना भी रहो मन नहीं भरता है होता ही है। फिर लोग भी आगे पूछते हैं यार कब जा रहे हो कितनी है छुट्टी कितने दिन के लिए आए हो तो और ज़्यादा बुरा लगता है दिल में इतना गंदा चुभता है मैं क्या बताऊँ। होता ही है यार अपना घर होता है फिर हम लोग किसी और के घर में जाते हैं शादी करने के बाद तो फिर हम पराए हो जाते हैं तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है लड़कियों के साथ कि अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में जाना पड़ता है और फिर वही अपना घर होता है। तो अब क्या है मायके भी आते रहेंगे और ससुराल में तो रहना ही रहना है ज़िंदगी भर। तो अभी वैसे मैं फ़िलहाल छत को झाड़ रही थी क्योंकि जो ये सरसों है ना इसको सारा आज धूप में डालना है तो थोड़ा बहुत सरसों तो होता ही है यहाँ वालों का। अब पता नहीं है किस किस का है थोड़ा सा मम्मी का होगा थोड़ा सा चाची का होगा एक यहाँ पर भी है ये दूसरी चाची का भी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला डालना है कौन सा वाला नहीं तो छत को झाड़ लेती हूँ बाकी अभी मम्मी आएंगी तो मम्मी साफ मतलब मम्मी बताएंगी उसके बाद कि कौन सा वाला डालना है करके। तो दोस्तों मेरी लच्छू स्कूल जा रही है इनका स्कूल खुल गया है होली की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गया है ना। क्या होता है आजकल स्कूल में डांस होता है। डांस होता है किसकी तैयारी कर रहे हो 15 अगस्त की अभी से 15 अगस्त की तैयारी पिया किसकी तैयारी कर रहे हो तो 15 अगस्त की कह रही है किसकी तैयारी कर रहे हो वार्षिकोत्सव यार एनुअल फंक्शन बोलते हैं उसको। दोनों रानियों की तैयारी हो गई है स्कूल जाने की जाओ एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा बाय 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 तो बोलो हाथ से बाय करो। तो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है यार मैं सोचती हूँ कि मेरे जितना खुश किस्मत कोई नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। अब होता ही है ना छोटे से छोटा बच्चा बाद में जब बड़ा होगा तो देखेगा अपनी यादें हम ही होते हैं कि अपनी फ़ोटोज़ पुरानी एल्बम में ढूंढने की कोशिश करते हैं काश इसमें हमारी फ़ोटोज़ होती हम बचपन में कैसे होते होंगे। तो यार मैं हर किसी की मेमोरी जिसमें सेव करना चाहती हूँ तो मेरी जो बहनें हैं तीनों अभी वो छोटी हैं तो कभी ना कभी तो ये बड़ी होंगी 15, 16, 17, 18 साल की तो उस टाइम पे ना आजकल तो फ़ोन हर किसी के पास होने वाले हुए हर कोई अपने बच्चों की फ़ोटोज़ खींचता है लेकिन जो मेमोरीज होती हैं जो वीडियोज़ होती हैं ना वो सब सिर्फ मेरे पास मिलेंगी इन लोगों की। तो ये बड़ी होकर जरूर देखेंगी यार और हंसेंगी भी कि हम लोग बचपन में ऐसे ऐसे थे और ऐसे बने रहते थे तो होता ही है ना। तो हम लोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं पुरानी एल्बम में कि हमारी फ़ोटोज़ होती इनमें तो हम देखते खुद को हमारा बचपन कैसा था हम मम्मी से पूछते हैं घर वालों से पूछते हैं। तो उस टाइम पे अगर फ़ोन होते अच्छी सुविधाएं होती तो हमारी भी बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हम लोग भी कहीं ना कहीं वीडियो में होते तो ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे तो हम लोग हैं नहीं कहीं। तो मैं चाहती हूँ कि सबकी मेमोरी जिसमें सेव रहे चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बूढ़े से बूढ़ा कोई भी व्यक्ति हो कभी भी वो खुद को देख पाए मेरे फ़ोन के द्वारा मेरे वीडियोज़ के द्वारा। तो दोस्तों घुगुत और मैं जा रहे हैं बुरास के फूल तोड़ने के लिए और बुरास के फूल हमें क्यों चाहिए क्यों तोड़ रहे हैं वो आपको ब्लॉग देख के पता चलेगा। मेरे साथ हमारा घुगुत आ रखा है घुगुत पूरा कट्टा बनना है मल रहा नहीं हाँ ऊपर छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं उनमें से तोड़ के लाते हैं चल। तो दोस्तों एक पेड़ में पहुंची यहाँ पे कुछ फूल सूखे हैं और कुछ फूल अच्छे हैं तो मैं इनको जो अच्छे हैं उनको अलग कर लेती हूँ और सूखे वाले अपने आप रहते हैं पेड़ में इनको तोड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो नीचे से तो अच्छा लग रहा था लाल लाल हरा भरा लेकिन ऊपर आके पता चला आधे फूल सूखे थे और आधे फूल अच्छे थे। तो यार हमें जूस बनाने के लिए चाहिए बुरांस तो बुरांस का जूस ना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए तो इसीलिए हम बुरांस का जूस बना रहे हैं। माल्टे का भी बनाने का सोचा था लेकिन माल्टे का बना नहीं पाए तो अभी सीजन है तो बुरांस के फूल काफ़ी सारे हो रहे हैं बाद में ना ये सूखने लग जाते हैं फिर किसी काम के नहीं होते हैं तो वैसे भी इन्होंने सूखना ही है तो हमने सोचा थोड़ा तोड़ लेते हैं यहीं से ले जाते हैं तोड़ के। तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ अपने घर के टॉप में और यहाँ से हमारा घर देखो कितना प्यारा लग रहा है
इतनी प्यारी लोकेशन आ रही है, बुरांस का फूल और पुराना घर हमारा नीचे और नया घर ऊपर, यहाँ से पूरा दिख रहा है। देखो यहाँ से अगल बगल के सारे गांव भी दिखते हैं और इतना प्यारा लग रहा है ना। हाँ बावरे टूट टूट के फलाया यार, देखो ये जहाँ तहाँ कांवर ही दिखाई दे रहे हैं। जब कांवर पकेंगे तब आऊंगी नहीं मैं, यहाँ खाली दिख रहे हैं ये। बस तो फूल ढूंढने गए थे लेकिन इतने ही मिले हमें, तो इतने काफी हैं। अब देखते हैं कितना निकलता है ये, ठीक है। इसके अंदर का ये निकालते हैं जो तिल्लियां हैं और ये जो व्हाइट व्हाइट है ये सब साफ करके, बस ये फूल ही फूल रखने हैं हमने, तो इनको साफ करते हैं। मेरे साथ घुघुत करेगा, घुघुत करेगा नहीं चल भी करने लगा। बंदरों का आतंक इतना तेज हो रहा है यहाँ, मैं क्या बताऊँ। सब खेतों की ओर ही दिखाई दे रहे हैं, सब खेतों की ओर ही नजर आ रहे हैं। तो जब बंदर नुकसान करते हैं बहुत गुस्सा आता है, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मेरा बंदूक होती है इनको ठोक ही देती मैं, ऐसा गुस्सा आता है। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते, पत्थर हमारा वहां तक पहुंचता नहीं है, तो पेड़ों में छुप जाते हैं। हम घर जाते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं, अब क्या कर सकते हैं ना। दिन भर कुत्ते भी इनके पीछे लगे, इंसान भी अब फिर भी नहीं जा रहे हैं यार। अभी तो मैं भी आ गई, अभी तो मैं घर में थी, मैंने कहा नहीं जाती हूँ, लेकिन इनको देख के इनकी आफत को देख के मैंने कहा यार चली जाती हूँ, क्या पता मेरे चिल्लाने से भाग जाए। देखो सब खेतों में ही है, दिखाती होगी यहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है यहाँ के गांव वालों का। उधर वाले यहाँ भगा रहे हैं, यहाँ वाले उधर को भगा रहे हैं, ऊपर वाले नीचे भगा रहे हैं। जाएंगे कहाँ फिर ये बंदर, या तो इनको पिंजरे में कैद करके भगाओ यहाँ से, तुम्हारा बवाला छूट जाएगा जिंदगी भर का। अब मुझसे भाई यहाँ पे बैठी है, जब नीचे आएंगे तो तब भगाना। सब पेड़ों में घुसे हैं यार, अब जा भी नहीं सकते ना नहीं ऊपर, वही तो दिक्कत है। दोस्तों मैं घायल हो चुकी हूँ और मेरी बैंड बच चुकी है, मेरा पाँव भी टूट गया है। उजा यार सी खाली जाओ, चाह मैं खुद में लग कर दूंगा नी। उजा रहता था नहीं है जनी हुई पूरे ना, पहाड़ी में गाल करो इन्हें के बाद मैं बजा लिए, पहाड़ी में गाल करो मैं बजा ले। तुम फेर खाने बना का बता दी गुड खाना है ना दिन तुम दुश्मन बोना ना हाथ धोई तो तब अकबर दिया या बुल में खा ये तुम पाप कर रखो ने गंजी दिया था बोना दे ये बोना दे या खाने पाप ना खाने सरकार ने बन ये जो गु भीम लारू ना मार है क्यों खाने क्यों खाने अरे ये बोना भले गंजी तो ये बोना दे है मुझे मार के ना दिमलाई ना खजिला खान के ना जाई ना बुना बस दो बहने क्यों ना ना भाई बुआन बहाई तो हर बार बैठ रहा क्यों मोर दे बे बुआन एल गार में ये कोई बुआन ना हाँ ये क्यों ना ना है मोहरा बुआन ना हाँ खादी बना कर बे हर बार तोड़े की खेत बात का है कौन जहाँ तक तो तुम सरकार का। एक पहाड़ की भड़की हुई महिला दोस्तों, गरीब बेचारी क्या कर सकते हैं ना अम्मा। ये बुल मैं इतना लक्ष्य किया कि एक बार दम रही हूँ हम सिद्ध कर जाओ। ये तो बे बीमार है रो ये तो बे छत में भरी रहा हम दुश्मन है कि तो करना है हम कि तो हाँ जी या बुल में सब पाप लगा रही बनर बंदूक गोली गोली मारो इनको दे दो हमको इसको मारते हो आप। अब कुछ नहीं होता, जितना पैसे लगेगा बोलने में उतना भरने आ रहे आप पर्सन क्या है खेत में तो कुछ है ही नहीं। अब बोल रहे हैं तो अंदर नहीं आ रहे, उनका घाटा हो गया हमको है 2000 का गेहूँ बोया, 2000-1000 का मोहर बोया, आज खेत में कुछ नहीं है, क्या खाएगा बच्चे लोग। बोर्ड में उन्हें ये हर हर उम रहा सुन पाओ कौन सा मीद है बुरा सब खाने रहे मिल जाए इधर भी बीमार है रो ये बुढ़िया पाप लगन ओए जा चिल्लन चिल्लन खा बटे आप आवाज में मेरा बचन लाची बत्ते ना कहे जा घर। अब ये बांदर ने दिमाग खराब कर से गया यार, मैं आपके करूं मैं ले घर जा फिर खाना नहीं आया क्यों करूं आपसे या कभी बचा बाद ना आशा खेत में भेजन जाए। बुआ है दोस्तों खेतों से घर नहीं जा रही है, दिख तो नहीं रही होंगी इतनी दूर से, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे बैठी है क्या करूँ। तल के ये बांदर ना हाथ धोई जा ये बांदर को हाथ रहा फुला है गायत भी यार खेतन में के ना आ जाओ भाई। बार से मेरा माइक है ना बंद, सुन लो चाची और मम्मी दोनों, जब भी मैं यहाँ आऊंगी तो बंदर आ जाए तुम्हारे, जब तू खाली दिन होंगे जेठ के महीने में आ जाना बैठने के लिए, जब बैठ नहीं आऊंगी मैं फसल लो फसल कुछ नहीं होगी हम काट लेंगे उस समय।
परेशान तो आ जाता है भाई दी। अब लग गया की बताऊं, 1 बजे से 4 बज गया दोस्तों। अभी तक मैं खेतों में ही हूँ। मैं खाना खाने के लिए घर गई थी, फिर दोबारा बंदर आ गए, अभी फिर भगा के आ गई हूँ। हे प्रभु, मेरी किस्मत में बंदर भगाना ही लिखा है क्या? सुबह से शाम तक यार बंदर ही भगाओ भयंकर। इन बंदरों का तो करना ही पड़ेगा कुछ जुगाड़। अब इनके नाक में, नाक के नीचे पटाखा फोड़ना है तब पता चलेगा इनको। अब बंदर तो भगाने लगते हैं यार। तुम भी कैसे हो यार? हमारे घास आज सब छूड़ काटन काटन की हमारे उमड़ गया काले जमछा पर छूड़। इतना गलत बात होती है, ऐसा ही होता है चोरों के साथ। सब छूण काट जाएगी हमारे ना बंदर राकून लगना हमारी गाड़ी यार। बस लग भी सकता है कम लगो, अच्छे से ले जाना ध्यान से। हाँ यहाँ पे रखो इसको, रोज रोज हमारे घर छोड़ हक से गए लिए। तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और अभी घर पे ना कोई भी नहीं है। सुबह और शाम घर से बाहर निकलने ऐसा होता है, दिन में धूप भी लगती है और आज दिन भर बंदरों ने ना बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं बैठी हूँ यहाँ पे सुकून से। और यहाँ पे ना अकेले अकेले घर हैं, बहुत दूर दूर घर हैं, तो यहाँ पे बहुत शांति भी है और चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई देती है हमेशा और जानवर। तो ऐसा है कि दूर दूर घर है और दूर दूर घर में ना यहाँ ट्रैफिक भी नहीं है, गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। हम बचपन से ना ऐसे ही रहे हैं, हमारा घर अकेला था और हम लोग अकेले ही रहे हैं, तो ऐसा ही माहौल पसंद है। अब अकेला रहना ही पसंद है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर सिर्फ 3-4 फैमिलियाँ रहती हैं, एक तो ताई लोग हो गए, फिर बुआ लोग और ये हमारा घर है, फिर 2 चाचियाँ, फिर ऊपर पे भी हैं, लेकिन 3-4 ही घर हैं, तो फिर दूर दूर भी है ना। तो कल मुझे जाना भी है, तो मेरा सामान थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे है, तो उसको ना सारा इकट्ठा एक साथ कर लेती हूँ, फिर मैं कुछ ना कुछ हमेशा भूल जाती हूँ, होता ही है ना। मैं अपनी चीज़ें भी आधी से ज़्यादा ससुराल में ही भूल के आई थी यहाँ आने के दिन, और जाने के दिन भी कहीं ऐसा ना हो कि आधा सामान यहीं रह जाए, तो सारा समेट लेती हूँ टाइम से, फिर कल टाइम हो या ना हो ना सुबह मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा मुझे यहाँ से। दोस्तों दीदी खेल रही है क्रिकेट, बचपन की प्लेयर थी, प्रो प्लेयर थी, और बॉल करा रहे हैं घुगुत। तो दोस्तों अब करते हैं सोने की तैयारी, खाना पीना खा लिया है और मुझे तो आज तगड़ी वाली नींद आ रही है, क्योंकि बंदरों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, बहुत आतंक हो गया था। तो मैं दिन भर खेत में ही थी, थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सो जाती हूँ और इस लोग को यहीं क्लोज करती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और कैसा लगा वो भी बताना। बाय बाय।